साझा कर रही है विश्व शांति दर्शन पर कहानियां अनोखी सी। आप सबका मन पूर्वक नमन और अभिनंदन कहानियों के इस मंच पर। आज सुनेंगे कहानी मछुआरा और सपनों का सौदागर। एक व्यापारी एक छोटे से समुद्र तटीय गांव के घाट पर खड़ा सूर्यास्त का नजारा देख रहा था। तभी एक मछुआरे की एक छोटी सी नाव किनारे पर आकर लगी। उस नाव के अंदर कई छोटी बड़ी मछलियां थी जो मछुआरा समुद्र से पकड़ कर लाया था। उस व्यापारी ने अपना परिचय देकर उन मछलियों की सराहना की। इन्हें पकड़ने में आपको कितना समय लगा, व्यापारी ने पूछा। ज्यादा नहीं, बस केवल 2 घंटे लगे, मछुआरे ने उत्तर दिया। आप ज्यादा समय तक समुद्र में क्यों नहीं रहते और अधिक मछलियां पकड़ सकते हैं, व्यापारी बोला। बस इतने से ही मेरे परिवार की आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, मछुआरे ने कहा। तो फिर अपने बाकी समय के साथ आप क्या करते हैं, मछुआरा बोला। मैं देर से सोता हूं, थोड़ी मछली पकड़ता हूं, अपने बच्चों के साथ खेलता हूं, अपनी पत्नी के साथ दोपहर में नींद का आनंद लेता हूं, हर शाम गांव में टहलता हुआ जाकर थोड़ी बहुत वाइन पीता हूं और अपने दोस्तों के साथ ढोलक बजाता हूं, गाने गाता हूं। मेरे पास खाली समय है कहां, आप देख सकते हैं मेरा जीवन पूर्ण रूप से व्यस्त है श्रीमान, व्यापारी बोला। मैंने MBA किया है और मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मेरे हिसाब से आपको मछली पकड़ने में और अधिक समय देना चाहिए और उस अच्छी इनकम से आप एक बड़ी नाव खरीद सकते हैं और बड़ी नाव से जो आय होगी उससे आप कई और नाव खरीद सकते हैं और फिर आपके पास मछली पकड़ने की नावों का एक बेड़ा होगा। अपनी मछलियों को बिचौलियों को बेचने के बजाय आप सीधे उपभोक्ताओं को बेचेंगे और अंत में आप अपनी फैक्ट्री खोल सकते हैं। आप प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। मेरी राय मानिए तो आप एक छोटे से गांव को छोड़कर शहर की ओर पलायन करें जहां आप विस्तार से अपनी इंडस्ट्री चला सकेंगे, मछुआरे ने पूछा। लेकिन श्रीमान यह सब कुछ करने में कितना समय लगेगा, इस पर व्यापारी ने जवाब दिया, यही कोई 15 से 20 साल। और उसके बाद फिर, मछुआरे ने पूछा। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, इतने साल बिजनेस के बाद ये सबसे अच्छा समय होगा जब आप एक IPO की घोषणा करेंगे। IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और अपनी कंपनी के स्टॉक को जनता को बेच देंगे और फिर आप बहुत अमीर बन जाएंगे, आप लाखों कमाएंगे। लाखों श्रीमान, फिर क्या, व्यापारी ने धीरे से कहा। फिर आप रिटायर हो जाएंगे, मछली पकड़ने के लिए एक छोटे से तटीय गांव में जाएंगे जहां आप देर से सोएंगे, मछली पकड़ेंगे, अपने बच्चों के साथ खेलेंगे, अपनी पत्नी के साथ दोपहर की नींद का आनंद लेंगे, शाम को गांव में टहलेंगे जहां आप वाइन की चुस्की लेकर अपने दोस्तों के साथ ढोलक बजाएंगे, गाने गाएंगे। कहानी खत्म। मुझे नहीं लगता है कि इस कहानी में अभी भी कोई संदेश देना बाकी है। अगली बार एक और कहानी। और हाँ, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें।